दोस्तों आइए देखते हैं फ्लूइड स्टॉप वाल्व कैसे काम करता है। फ्लूइड स्टॉप वाल्व की वर्किंग प्रोसेस को हम लोग 3D डायग्राम के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ से ये बॉडी है फ्लूइड स्टॉप वाल्व का, ये इसका हैंड व्हील है, ये इसका स्पिंडल है और इसका ये इसका ब्रिज है जो कनेक्टेड होता है कॉलर स्टड से। यहाँ पे फ्लूइड डायरेक्शन को शो कर रहा है, इधर से आएगा और इधर में मूव कर रहा है। फ्लूइड स्टॉप वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है बॉयलर्स में, इसका इस्तेमाल किया जाता है और भी बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। बॉयलर्स में जहाँ पे स्टीम को स्टॉप करने की जरूरत होती है, जब भी इसका यूज होता है तो इसको ओपन करने की जरूरत होती है, तो फ्लूइड स्टॉप वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको ऑपरेट करने के लिए ये एक मैनुअल हैंड दिया होता है, हैंड व्हील। इसको मूव करते हैं तो ये ऊपर की तरफ इसका पिस्टन मूव करता है, जिससे इसका भी इसका एक वे मिल जाता है जिसकी वजह से ये इधर से इधर तक मूव करता है। चलिए हम इसके डायग्राम को 3D व्यू में तथा इसको एक एक पार्ट को रिमूव करके देखते हैं। जैसे कि ये इसकी बॉडी को हम अगर रिमूव करते हैं, देखिए ये क्या है, सिंपल यहाँ से फ्लो आ रहा है, इसमें जाएगा। जैसे हम इसको ऊपर की तरफ कर रहे हैं तो ये इधर की तरफ पास हो जा रहा है, सिंपल ये इसका यही प्रोसीजर होता है। ये जो होता है इसका वाल्व होता है, ये वाल्व सीट होता है, ये इसका बॉडी कवर होता है। इसके बारे में कुछ मैनुअल पढ़ लेते हैं। जैसे फ्लूइड वाल्व इज यूज टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ फ्लूइड फ्रॉम वन सेक्शन टू अदर, यानी एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में फ्लूइड को रेगुलेट करता है। द स्पिंडल रोटेटिंग बाय द हेल्प ऑफ हैंड व्हील, यानी इसका स्पिंडल रोटेट करता है हैंड व्हील के द्वारा। ड्यू टू द रोटेशन ऑफ स्पिंडल के कारण द वाल्व मूव अप, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ये वाल्व जो है इसका रोटेट हो रहा है तो ऊपर की तरफ मूव हो जा रहा है, ये जो वाल्व है ऊपर की तरफ मूव हो जा रहा है। द पैसेज ऑफ फ्लूइड इज कंप्लीटली क्लोज हो जा रहा है इसके पैसेज। द फ्लूइड पासेस में भी पार्शली आर फुली ओपन, या तो थोड़ा सा या तो फुली ओपन हो जाता है बाई मूविंग द वाल्व अप, ऊपर की तरफ अगर मूव होता है तो। हेल्प द रोटेशन ऑफ हैंड व्हील, द क्लियरेंस बिटवीन द वाल्व एंड वाल्व सीट रेगुलेट द फ्लो ऑफ फ्लूइड आउट ऑफ सेक्शन, ठीक है। जैसे ऊपर जाता है उसको एक वे मिल जाता है और उसके थ्रू जो फ्लूइड है वो एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन की तरफ मूव करने लगता है। इन लोकोमोटिव बॉयलर द सप्लाई ऑफ स्टीम इज रेगुलेटेड बाई मीन्स ऑफ ए रेगुलेटर, ठीक है। जो लोकोमोटिव व्हील में जो स्टीम होता है उसकी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए स्टीम स्टॉप वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि प्लेस किया जाता है इनसाइड द बॉयलर सिंक एंड ऑपरेट बाई ए हैंडल फ्रॉम ड्राइवर कैबिन के द्वारा उसके वॉल्व को ऑपरेट किया जाता है। ये हैंड व्हील मैनुअल होता है, इसको घुमाएंगे तो फ्लूइड आगे जाएगा। फ्लूइड में वाटर भी हो सकता है, स्टीम भी हो सकता है। लोकोमोटिव बॉयलर की बात की जाए तो उसमें स्टीम मूव करता है, वहाँ पे स्टीम और स्टॉप वॉल्व का इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर हेल्पफुल लगा आपके लिए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद जय भारत।